2025 तक भारत टीबी मुक्त होगा और पूरे भारत को इस बीमारी से निजात मिलेगी। यह बात सिविल सर्जन डॉक्टर अश्विनी आहूजा ने एक कार्यक्रम के दौरान कही। वह IMA हरियाणा तथा स्वास्थ्य विभाग की एक मीटिंग को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि टीबी के 50% मरीज निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, अतः उनका यह फर्ज बनता है कि वह टीबी मरीजों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को अवश्य दे, ताकि सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाएं इन मरीजों तक पहुंच सके। सरकार द्वारा ऐसे मरीजों के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के बाद प्रत्येक टीबी के मरीज को सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता मिल सकती है। उन्होंने इसके अलावा यह भी जानकारी दी कि प्रत्येक मरीज स्वास्थ्य विभाग से निःशुल्क जाँच और दवा प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर करनाल के छाती एवं क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप भी उपस्थित रहे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सिमी कपूर द्वारा मीटिंग में आने के लिए सभी का धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर सुषमा तथा WHO की कंसल्टेंट डॉक्टर हंसप्रीत भी मौजूद रही। इस मौके पर समस्याओं और विचारों पर गहनता से विचार किया गया, ताकि सब मिलकर देश का टीबी मुक्त अभियान में अपना योगदान दे सके। करनाल से संवाददाता तरुण मदान की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबर पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।